Thank you

तो अब हमने क्या किया प्राइस था और क्या था और एक प्राइस था किसका प्राइस ईयर का प्राइस मतलब उस टाइम पे उस कमोडिटी का प्राइस वो है ठीक है ना मैं क्या बोल रहा हूं मैं? अब कुछ ईयर दिया था हमको पुराना एक दिया था करंट करंट मतलब ऐसा नहीं कि 2020 की बात हो रही है कोई भी ईयर होने दो जो ईयर पुराना है सबसे पीछे दैट इज क्या बन जाएगा हमारा कौन सा ईयर बन जाएगा बताओ क्या बन जाएगा बेस क्योंकि हम उसको बेस लेंगे और क्या करंट ईयर मतलब उसके ऊपर का जो भी ईयर होगा उसके बाद वाला मतलब वो क्या बन जाएगा हमारा करंट ईयर और बेस ईयर को क्या डिनोट करोगे जीरो प्राइस है तो पी ना वापस से प्राइस करंट ईयर का तो पी वन और हमेशा बेस नीचे प्राइस ऊपर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड फॉर्मूला आपका बन गया तो इसके रिलेटेड हमने कितने सम्स किए थे हमने देखो ना सिंपल एग्रीगेट मेथड प्राइस इंडेक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंने आपको ऊपर से जस्ट बता दिया था तो ये वाले क्वेश्चंस आपको घर पे करने थे क्लियर है अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और 13, ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमारा हमारा पहला जो पार्ट पार्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर ये हमारा क्या होगा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये फाइन एक्स इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज हाउ मच वन मतलब क्या दिया है यहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है ना दैट इज व्हाट ये जो प्राइस इंडेक्स नंबर है ठीक है ये क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर जो है इस नंबर को बोला जाता है पी ठीक है क्या बोला जाता है इसको पी जीरो वन क्योंकि प्राइस इसका ईयर और साथ में करंट ईयर को मिला के ना तो पी जीरो वन बेस ईयर बोलेंगे तो क्या है जी, ये क्या हमको बेस लेना मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा पी जीरो करंट ईयर मतलब क्या है पी वन यहां तक तो सिंपल है अब यहां पे क्या एक दिक्कत आ गई है यहां पे दिक्कत ये है कि यहां पे क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है

सेवेंथ सम ये आपके नोट्स में चाहिए मुझे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम भी चालू कर दो तो ये देखो सात सम तक हो गए अब मैं आपको ट्वेल्थ सम पे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल भी कर देता हूँ तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो कि ये दो सम हमेशा आपको भी ध्यान में रहे कि इधर कुछ अलग है और इसमें से आप अगर फर्स्ट सम भी कर लो आपके साथ के साथ सम कवर आप जब भी रिवीजन करोगे या जब भी आप टेस्ट के लिए पढ़ोगे आपको पता तो होना चाहिए भाई कहां से कितना पढ़ना है ये पूरे सेक्शन में से आपने इतने सम्स कर लिए आप प्रिपेयर हो टेस्ट के लिए तो इसलिए ये सब चीजें बनाई गई चलो तो ठीक है ना तो ये जो सर्कल आपको किस लिए करना है आपको पता चले कि आपको रिविजन के अंदर क्या पता? तो चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये है हमारा ट्वेल्थ सबसे पहले क्या था कमोडिटी ठीक है कमोडिटी क्या है हमारे पास और नेक्स्ट क्या है आपके लिए ईयर है हमारे पास रुपीज में है ना बराबर है क्या था प्राइस तो इसको आप डिनोट करते हो पी पास, जीरो आपके पास होता है करंट ईयर ये भी होता है रुपीज में और इसको क्या बोलोगे पी वन क्या करो क्वेश्चन कॉपी कर लो लाइन तो आपको पता है बाद में ही बनानी है तो क्या करोगे कमोडिटी क्या है आपके पास पी क्यू आर एस टी ठीक है और प्राइस क्या टेक्स्ट बुक है मेरे पास आप भी लिख लो वहां से दैट इज एट 12, सिक्सटीन ट्वेंटी टू फिर है आपके पास कितना एटीन ठीक है और आपके पास करंट ईयर का प्राइस है ट्वेल्व एटीन एक्स फिर क्या है आपके पास ट्वेंटी एट ट्वेंटी आप चाहो आपके नोटबुक में ऐसे कलर पेंसिल लिख सकते हो बाकी गलती से भी एग्जाम में मत लिखना मालूम बोले कि सर आप तो ऐसे करते थे भाई एग्जाम में रेड पेन से टीचर का काम है करेक्शन करना आपका काम नहीं है तो आप बिल्कुल भी लिखने की कोशिश मत करना ठीक है पक्का ना अब क्या करोगे अगला काम बताओ क्या करोगे टोटल करना है उससे पहले लाइन बना देता हूँ मैं आपके लिए ठीक है काम हो गया अपना अब यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल अब क्या करना है जैसे आप टोटल करते थे वैसे टोटल करो और कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है ठीक है ना आगे जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना सी वगैरह का तब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तब अलाउड है सेवेंटी सिक्स अब क्या उसके बाद नेक्स्ट ट्वेल्व एटीन एक्स

और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था P01 जीरो वन इज इक्वल टू मेरे ख्याल से वन ट्वेंटी चेक कर लेते हैं यस वन ट्वेंटी ये यह दिया है ना यहां पे ठीक है इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया आपको आप पहले समय क्या निकालते थे आंसर निकालते थे ना ये P01 का आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया है कितना दिया आंसर वन वन ट्वेंटी फाइव प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू यही ढूंढने बोला है, क्या ढूंढने बोला ये पूछा ना प्राइस इंडेक्स नंबर क्या था फॉर्मूला सबमिशन ऑफ पी वन अपॉन सबमिशन ऑफ पी जीरो इंटू हंड्रेड अब हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर ऑलरेडी है कितना है एक सौ पच्चीस दैट इज वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एटी प्लस एक्स अपॉन सेवेंटी सिक्स इंटू हंड्रेड आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका काम बन जाएगा दैट इज 125 ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी इज इक्वल टू एट्टी प्लस एक्स इंटू ठीक है तो अब आप आपको क्या करना है इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपका काम इजीली हो जाएगा और इजी करना है इसको तो 80 प्लस एक्स को रखो इस तरफ ये जो 100 है ना उसको भी इस तरफ लेके आ जाओ दैट इज हाउ मच 125 ट्वेंटी फाइव इंटू अपॉन हंड्रेड इसको सॉल्व करो देखो आपको क्या आंसर मिलता है कैलकुलेशंस मुझे मत पूछना कैलकुलेशन आने चाहिए आपको फाइव से डिवाइड कर लो इजीली आंसर आपको मिल जाएंगे ये करोगे फाइव फाइव टू झा टेन बराबर है ये मिल जाएगा आपको आंसर ट्वेंटी बराबर है उसके बाद फाइव वन ट्वेंटी फाइव कितना टेन पच्चीस सेवेंटी सिक्स ज्यादा है फोर की टेबल में ये ज्यादा फाइव इंटू नाइनटीन देस इज इक्वल टू नाइनटी फाइव देस इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव माइनस एट्टी इज इक्वल टू कितना आएगा पंद्रह क्लियर तो जो वैल्यू आप ढूंढ रहे थे ना ये एक्स की इसके आंसर कितना है यहाँ पे फिफ्टीन आंसर आएगा क्या आंसर आएगा यहाँ पे फिफ्टीन तो फाइनल स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है मिसिंग वैल्यू ठीक है तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है सॉल्व करना है और अगला सम जो है वो भी इसी तरीके से ही है तो वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा कोई चिंता वाली बात नहीं है आप ये वाला सम पहले कंप्लीट कर लो इसी इसी तरीके से बहुत सिंपल सम्स है तो अब तक दो वैरायटी सीखी आपने एक तो नॉर्मल वाली और एक मिसिंग वाला तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बना के रखने मैं ये बोल रहा हूँ ना छोटी छोटी चीज़ें तो वो आपको लिख देनी है मास्टर चार्ट के नीचे कि ये सर ने क्या बोला है यहाँ पे दो टाइप के सम्स हो सकते हैं एक तो ये नॉर्मल वाले और ये और क्वांटिटी इसके बाद का जो है वो भी एक्जैक्टली इस तरीके से सिम्पल है तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं लेकिन अच्छे से पढ़ो गलती मत करना मालूम पर एग्जाम में ये सब चीजें आ जाती है एग्जाम में आप जाते क्यों सब लोग पढ़ते हैं सब लोग ऐसे सॉल्व करते हैं सब किधर ना किधर क्लास अटेंड करते हैं फिर भी मार्क्स में फर्क क्यों मार्क्स में भिन्नता है क्यों अलग अलग मार्क्स क्यों आते हैं क्योंकि वो एग्जाम में जाते ही गलतियां करना है तो प्लीज आप एग्जाम में गलतियां करने मत जाओ आप आउट ऑफ लाने जाओ ठीक है चलो और ये भी हो गया ना खुद से सॉल्व करो आपने समझा पूरा एक बार और खुद से सॉल्व करो तो आपका एक और बार प्रैक्टिस वहां पर ही खत्म हो जाएगा ठीक है आराम से सॉल्व करो कंप्लीट करो खुद से तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर क्वेश्चन थर्टीन मैं तो करूंगा और साथ साथ में करेंगे आप भी शुरू कर देना और आंसर सब मैच करते रहेंगे ठीक है वहाँ पे आप रुकना नहीं ऐसा समझने के लिए आप चालू कर दो अगर आपका ये हो गया आप प्लीज़ चालू कर दो कोई दिक्कत नहीं है तब तक मैं आता हूं आपको कैच करता हूं ठीक है 13 सम के साथ ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन लेते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है थर्टीन क्वेश्चन में फाइंड वाई इफ प्राइस इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेट मेथड तो आपको ये समझ में आए कौन सा मेथड की बात हो रही है सिंपल एग्रीगेट मेथड इज वन ट्वेंटी यहां पे आंसर भी दे दिया है और टेकिंग एज अ बेस ईयर अगर ये नहीं बोलते हैं फिर भी आप बेस ईयर तो यही लेते हैं ना कि टू जीरो थ्री क्या बन जाएगा आपके लिए करंट ईयर बन जाएगा तो अगर इसको सिंबोलिकली डिनोट करना है तो ये पी जीरो है और ये क्या है आपके लिए पी वन है ठीक है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए यहां पे y की वैल्यू ढूंढनी है ना सिंपल सी बात है ठीक है ना तो सेम वैसे ही है तो सबसे पहले इसको वर्टिकली लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप चालू कर दो कोई दिक्कत नहीं है कमोडिटी फिर है प्राइस की काम होती लाइन बना देते हैं ठीक है चलो क्या करना है सबसे पहले औरजेंटल था वर्टिकली लिख लिया पहला स्टेप तो आपका यहाँ पर ही कम्प्लीट हो गया अब क्या करोगे बताओ सिंपल प्लस माइनस कर लो नाइन्टी फाइव प्लस एट्टी प्लस थर्टी फाइव वाई को रख दिया साइड में तो आपको आंसर क्या मिला टू हंड्रेड एंड टेन प्लस वाई हो गया काम इतना अब इधर तो कोई अल्फ़ाबेट है नहीं हंड्रेड एंड सिक्सटीन प्लस सेवेंटी फोर प्लस नाइन्टी टू प्लस फोर्टी टू दैट इज हाउ मच थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद रखना और कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए तो आप ये हाथ से सॉल्व करना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपका जो टाइमिंग है ना अपने आप बैठता जाएगा ठीक है अब हमारे पास क्या मिल रहा है हमको टेबल से फ्रॉम द टेबल सबमिशन ऑफ पी जीरो इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन प्लस कॉमा कमीशन ऑफ पी वन दैट इज करंट ईयर का कितना है थ्री ट्वेंटी फोर वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज हाउ मच कितना हमको दिया था टेक्सट बुक में देख लो एक सौ बीस आई गेस यस एक सौ बीस है इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फॉर्मूला यूज करते हैं वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ज इक्वल टू सबमिशन ऑफ पी वन अपॉन सबमिशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है अब क्या करोगे प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर आपको ऑलरेडी दे दिया कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है ना वन ट्वेंटी तो ये आपने लिखा वन ट्वेंटी इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ पी वन इज हाउ मच थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर अपॉन पी जीरो इज टू हंड्रेड एंड टेन प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब जैसे पहले किया था वैसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दैट इज वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड एंड टेन प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब वन ट्वेंटी इधर है ना उसको यहाँ पे लेके जो डिवीजन हो जाएगा टू हंड्रेड एंड टेन प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी ठीक है आप इसको सॉल्व करो आराम आराम से देखो आंसर क्या मिलता है ये वन जीरो वन जीरो तो कैंसल डायरेक्ट 12 की टेबल में लेके जाओगे तो भी चलेगा नहीं तो और इसको रिड्यूस कर लो ये कितना आता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू टेन हो जाएगा टू सेवेंटी देखो टू टेन प्लस वाई देखो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू टू सेवेंटी माइनस टू टेन देखो वाई इज इक्वल टू सिक्सटी तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया देफो मिसिंग वैल्यू ऑफ इक्वल टू सिक्सटी तो यही चीज आपको ढूंढनी थी आई होप आपका आंसर मेरे से पहले आया होगा सेम exactly समा और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर ठीक है ना ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम चालू करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर उससे पहले आप प्लीज ये रिवाइज कर लो और ये कंप्लीट कर लो नोट्स ठीक है ना हो गया इतना आपका पक्का ठीक है एक बार देख लो सॉल्यूशन फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ना है अभी हमको ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं यहां पर दोनों चलो ठीक है मैं बाद में समझा देता हूँ करूंगा मैं एक ही समय एक्जैक्टली exactly सेम है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मैथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर तो आपको भी एग्जाम में यही पहचानना है क्या क्वेश्चन में पूछा है यहां पर यह चीज आपको पहचाननी है सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीकेट मेथड क्या पूछा है यहां पर सिंपल एग्रीगेट मेथड के साथ आपको क्या यूज करने बोला है सॉरी क्या फाइंड करने बोला है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इसके पहले क्या था प्राइस था क्या था प्राइस तो अब यहाँ पे देखो सब चीजें सेम है क्या फर्क हो गया बेस ईयर क्वांटिटी अगर यहां पे ईयर होता सपोज ऐसा ईयर यहां पे लिखा होता और बेस ईयर करंट ईयर नहीं दिया होता तो भी हम क्या बोलते हैं इसको बेस ईयर ही बोलते हैं और 2000 को क्या बोलते हैं करंट एरी बोलते हैं कुछ फर्क है अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ रहा है आपको पक्का चलो और वहां पे क्या लिखते थे प्राइस लिखते थे यहाँ पे क्वांटिटी है ना अरे ये देखो ये क्या है प्राइस है तो आप पी लिखते थे यहां पे क्या क्वांटिटी क्यू है तो आप क्या लिखोगे क्यूँ लिखोगे और क्या है लेकिन क्या लिखोगे स्मॉल ठीक है ना तो आपके लिए क्या बन जाएगा ये क्यू बेस ईयर मतलब जीरो और ये क्या बन जाएगा क्यू वन और कुछ अलग नहीं है यहाँ पे सब चीजें एग्जैक्टली वैसे की वैसी है सेम फॉर्मूला सेम चीजें हैं कुछ नया नहीं है तो यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर एट सबसे पहले आपको क्या करना है जो वर्टिकली दिया हॉरिजॉन्टल है उसको क्या करना है वर्टिकल लिखना है तो कमोडिटी वन टू थ्री फोर फाइव बेस ईयर का क्वांटिटी है और क्या आपके पास करंट ईयर का क्वांटिटी है तो चलो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है और क्या लिखोगे बेस ईयर क्वांटिटी इसको क्या डिनोट करोगे Q0 और इसको भी करंट ईयर क्या बन जाएगा ये क्यू वन कुछ फर्क है क्या कुछ भी फर्क नहीं है कमोडिटी क्या थी आपके पास वन टू जैसे क्वेश्चन में बोला है ना वैसे ही आपको लिखना अपना वन टू थ्री मत डाल देना जो क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आप चेंज करने मत जाओ ठीक है पता है आपको बहुत अच्छे से आ रहा है सब कुछ आ रहा है क्वेश्चन चेंज करने मत जाओ वन uh, फोर्टी फिर आपके पास वन ट्वेंटी हंड्रेड टू हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव फिर है आपके पास हंड्रेड एट्टी सेवेंटी वन फिफ्टी वन फाइव ये हो गया आपका काम यहाँ पे अब सबसे बाद आपको पता है स्टेप्स क्या है आपके लाइन बना देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप टोटल करना और तो कुछ है नहीं तो चलो भाई और बहुत स्टेटिस्टिकल है मैथ्स टू उल्टा अभी थोड़ा कम हो चुका है कैलकुलेशन पहले वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है टोटल आपका इसका आंसर आता है सेवन एटी फाइव दैट इज करंट ईयर की क्वान्टिटीज क्वांटिटी है प्राइस नहीं है कि उस साल में 140 क्वांटिटी आती थी वैसा मतलब हुआ यहाँ पे कोई पैसे का लेना देना नहीं है पे नेक्स्ट इज एटी सेवन सिंपल कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अब क्या मिलता है आपको फ्रॉम द टेबल ठीक है क्या मिल रहा है आपको कमीशन ऑफ क्यू जीरो इज इक्वल टू सेवन एटी फाइव एंड समीशन ऑफ क्यू वन इज इक्वल टू फाइव एटी सेवन ठीक है अब आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे वापस से फॉर्मूला देट इज क्या ढूंढना है आपको क्या ढूंढना है प्राइस इंडेक्स नंबर तो पहले था अब क्या क्वान्टिटी इंडेक्स अब आपको समझ में आ रहा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसके रिलेटेड बात हो रही है यहां पे सिर्फ क्वांटिटी के रिलेटेड बात हो रही है तो so क्वांटिटी कौन सी सबमिशन ऑफ सॉरी पी वन तो आएगा नहीं क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा और बेस तो हमेशा नीचे ही होगा दैट इज सबमिशन ऑफ क्यू वन अपॉन सबमिशन ऑफ क्यू जीरो इन टू हंड्रेड मैंने आपको कोई फॉर्मूला ऐसा लिस्ट नहीं दिया ध्यान रखना मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं एक एक उसके बाद फाइव एटी सेवन अपॉन सेवन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड भले आंसर पॉइंट में आने दो आप डिवाइड कर लो उसको जीरो से लेके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट इज सेवन एटी फाइव फाइव एटी सेवन सेवन एटी फाइव फाइव एटी सेवन का तो कोई तालमेल ही नहीं है जाने वाला ही नहीं है तो आप क्या करते हो जीरो पॉइंट और यहां पे आ गया जीरो अभी सेवन वन जा सेवन सेवन टू ज फोर्टीन मतलब चौदह सौ हो गया ना ऐसा अंदाजा लगा के तो सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव होता है बराबर है सेवन सिक्स ज़ा सेवन सेवन 49 फोर्टी नाइन तो सेवन एटी फाइव इंटू सेवन करके देखते हैं दैट इज़ फाइव फोर नाइन एट तो सात सौ और डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा सेवन सिक्स ज़ा सॉरी सा, सेवन कितना किया हमने सेवन सेवन किया ना हमने सेवन एट तो सिक्सटी के पार पहुँच गया तो सेवन सेवन हमने लिया तो आंसर आता है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव को माइनस कर दोगे फाइव एट सेवन जीरो से डेट इज थ्री फाइव एक और जीरो आ गया अब जरा लॉजिक लगाओ सिंपल सेवन फोर 7 सेवन फोर्टीन ट्वेंटी एट बराबर है फोर और फाइव से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो so, 785 4, 3, 1, 4, सो सेवन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर डेट इज थ्री वन फोर जीरो और सात सौ डाल दिया तो आठ सौ के पार पहुंच गया लेकिन आपको थ्री सेवन फाइव जीरो तक ही रुकना है तो यहाँ पे आपने पहुंचा कितने जा फोर जा तो आपको आंसर मिला थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी इसको आप माइनस करते हो थ्री सेवन फाइव जीरो से आपको मिलता है सिक्स हंड्रेड एंड टेन वापस एक जीरो सेवन एटी फाइव इंटू फाइव करते हो दैट इज थ्री कितना थ्री सेवन फाइव जीरो माइनस थ्री वन फोर जीरो कितना है आंसर सिक्स हंड्रेड एंड टेन ठीक है एक छोटी सी गलती हो चुकी है आई होप आपको यह पता चल जाना चाहिए था एटी फाइव है ठीक है कुछ फ़र्क नहीं लास्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा तो सेवन यहाँ पे तो हमने ज़ीरो डाल दिया था तो सेवन एटी फाइव इंटू फाइव किया तो कितना सॉरी सेवन एटी फाइव इंटू सेवन फाइव फोर नाइन फाइव से माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होगा दैट इज़ थ्री फिफ्टी फाइव वापस से ज़ीरो सेवन एटी फाइव इंटू फोर डेट इज़ थ्री वन फोर ज़ीरो माइनस थ्री फाइव फाइव ज़ीरो दैट इज फोर वन ज़ीरो और एक जीरो वापस से आ गया तो आप सेवन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव करके देखते हैं जीरो आंसर इज वन उसको भी जीरो जा करोगे तो 72 जा, तो आपको आंसर मिल रहा है by, थोड़ा सा पॉइंट को डांस करवा दो, तो आपका काम बन जाएगा सिंपल कोई सेवेंटी ठीक है तो सिंपल सा काम अपना यहां पर कंप्लीट हुआ है दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का ये पहला समय आपके लिए ठीक है इसके अंदर एक और समय नाइन्थ सम वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तब तक आप ये पहले लिख लो उसके अंदर भी कुछ नहीं ऐसे ही आपको डिवाइड करना एक्जैक्टली exactly सेम है तो प्राइस क्वांटिटी कुछ फर्क पड़ता है क्या कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ फर्क क्या है लिखने में प्राइस की जगह पे आपने क्या डाल दिया क्यू डाल दिया और कोई डिफरेंस आया का यहाँ पे कोई भी डिफरेंस अभी तक आया नहीं है इसके बाद हम चालू करेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर अगला सब नहीं सॉल्व कर रहा हूं ठीक है ये सेम वैसे ही समय तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दैट इज सेवेंथ क्वेश्चन आप सॉरी uh, एथ मैंने किया नाइन्थ आप करोगे आपके नोट्स में कंप्लीट चाहिए हा ध्यान रखना अब थोड़ा सा रिकैप प्राइस इंडेक्स नंबर है तो सबमिशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पिन ऐसा कुछ है नहीं प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पी वन अपॉन सबमिशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दैट इज ए पी आया तो यहां पे पी क्यू आया तो यहां पे क्यू दैट इज सबमिशन ऑफ क्यू वन अपॉन सबमिशन ऑफ क्यू जीरो इसमें यह वन क्या डिनोट करता है करंट ईयर और जीरो क्या डिनोट करता है बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय बायो तो हंड्रेड हर एक में होने वाला है क्योंकि ये होते हैं किसके अंदर परसेंटेज में तो आप भी जब चैप्टर चालू करो ना आप ये दिमाग में से बैठा लो हाँ क्या होगा प्राइस इंडेक्स नंबर होगा फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा ऐसे से हम फॉर्मुला क्वेश्चन देख के ही हम फॉर्मुला बना देंगे क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इसको रट्टा मारने की हमेशा बेस नीचे प्राइस मतलब बेस ईयर नीचे होगा करंट ईयर ऊपर होगा सीधी सी बात है और इंडेक्स नंबर आपने सीखा ना थियरी में कि ये क्या डिनोट करता है डिनोट करता है किसको परसेंटेज साइन को किसको परसेंटेज को ना रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 डालना बहुत जरूरी है अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है यहां पे वैल्यू इंडेक्स नंबर की तो वैल्यू इंडेक्स नंबर तो यहा जाते थोड़ा सा थियरी मैंने आपको बताया था के वैल्यू इंडेक्स नंबर इज द रेशो इन दीकेट वैल्यू ऑफ गिवन कमोडिटी क्या दिया यहां पर वैल्यू इंडेक्स नंबर इज द रेशन कमोडिटी इन द करंट इंड इट वैल्यू इन देश्यू इंडेक्स नंबर कंबाइन प्राइस एंड क्वानिटी मतलब प्राइस को भी साथ में लेकर चलता है और किसको क्वान्टिटी को भी साथ में लेके चलता है इसको आप अलग अलग सोल्व नहीं करें इन शॉर्ट यह है क्या प्राइस इंडेक्स नंबर क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर का क्या ये मिक्सचर है दोनों को मिला के सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पे कौन सा समय हमारे लिए क्वेश्चन नंबर टेन एंड लेवन ठीक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं दोनों समय करूंगा क्वेश्चन नंबर टेन पहले आ जाते हैं समझते हैं उसके पहले क्वेश्चन नंबर नाइन देख लो सेम है ए बी सी डी ई बेस ईयर है आपके पास तो इसको ये क्या कहलाएगा क्यू जीरो कहलाएगा क्यू वन ठीक है टोटल करना है डिवाइड करना है काम खत्म क्योंकि आपको क्या पूछा है आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड यहां पे गलती है क्वेश्चन में करेक्शन कर लो दिया वैल्यू इंडेक्स नंबर है दिया वैल्यू है बट डेटा तो सिर्फ आपको क्वांटिटी का दिया हुआ है तो ये वैल्यू नहीं है ये क्वांटिटी है क्या है ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ठीक है समझ में आया इस तरीके से आपको ये करना है ठीक है तो पूछा वैल्यू इंडेक्स नंबर है क्वेश्चन में तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और डेटा तो क्वांटिटी का ही दिया हुआ है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपको ढूंढना है तो चलो अब ये दो क्वेश्चन हमारे बचते हैं लास्ट के और दोनों में सॉल्व करूंगा क्वांटिटी सॉरी कमोडिटी है हमारे पास टेन 10... अच्छा नहीं तो ये कैसे दिया है क्वेश्चन अच्छा ऐसा है क्या एक मिनट अच्छा ये इस तरीके से है सॉरी सॉरी ये ऊपर वाला पार्ट अलग है ठीक है ये नीचे तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन लिखना चाहिए ठीक तो है चलो फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड तो हम जो पढ़ रहे हैं वो यही तो था ये क्या है ऊपर ये क्या है सिंपल एग्रीगेट मेथड ही तो है ये सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर तीन प्राइस क्वांटिटी अब हम आ चुके हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर पे तो चलो कमोडिटी बेस ईयर करंट ईयर ठीक है मतलब यहां पे बेस ईयर का आपको प्राइस भी दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है क्वांटिटी भी दिया हुआ है करंट ईयर का प्राइस भी दिया हुआ है करंट ईयर का क्वांटिटी भी दिया हुआ है और कोई दिक्कत है क्या पे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले फॉर्मूला पे तो मैं आता भी नहीं हूं क्वेश्चन कॉपी कर लेते सबसे पहले हमारा काम आपका फेवरेट काम होना चाहिए चलो क्वेश्चन नंबर टेन सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन कॉपी कमोडिटी फिर आपके पास बेस ईयर बेस ईयर में आपके पास है तो ये प्राइस होता है इसको क्या बोलते हैं पी जीरो पी जीरो प्राइस की बात हो रही है और कौन सी ईयर की बात हो रही है बेस जीरो क्वांटिटी मतलब क्यू जीरो करंट ईयर का प्राइस मतलब P1 वन क्वान्टिटी करंट का Q1 ये समझ में आया तो अब वहां पर प्राइस क्वान्टिटी नहीं लिखूंगा मैं वहां पर सिम्बॉल्स लिखूंगा दैट इज P0 जीरो एक मिनट फिर आपके पास है करंट ईयर पी जीरो क्यू जीरो ठीक है अब ये कहानी हो गई यहां पे अब मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ क्या क्या चीजें हैं दैट इज ए सी डी ई प्राइस कितना है ध्यान से सब कुछ एक भी गलत हुआ तो पूरा सम गलत होगा एग्जाम में भी तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना थर्टी फोर्टी टेन फिफ्टी लास्ट समय हो गया था ना थोड़ा सा टोटलिंग <laughs> तो ऐसा नहीं होना चाहिए ट्वेंटी टू सिक्सटीन थर्टी एट ट्वेल्व ट्वेंटी एट एक बार चेक कर लेते हैं थर्टी फोर्टी टेन फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्सटीन थर्टी एट ट्वेल्व ट्वेंटी एट अब करंट ईयर की बारी आती है करंट ईयर का प्राइस है फोर्टी सिक्सटी पंद्रह साठ सिक्सटी ट्वेंटी फाइव फिर है आपके पास एटीन ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्स ठीक है अब ये है क्या आप क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो आपको क्या पूछा है वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या पूछा है आपको ठीक है क्या पूछा है वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू बनेगा कैसे मैंने आपको बताया था किससे बनेगा ये प्राइस भी इंक्लूड करना है क्वांटिटी भी इंक्लूड करना है तो जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर लेते थे ठीक है जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर लेते थे तो आप क्या करते थे आप लिखते थे सममिशन ऑफ प्राइस अपॉन सबमिशन ऑफ प्राइस ऊपर करंट ईयर नीचे बेस ईयर अब इसके अंदर आपको क्वांटिटी भी इंक्लूड करना है तो क्वांटिटी जब आप सॉल्व करते थे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप जब सॉल्व करते थे आप क्या लिखते थे सबमिशन ऑफ क्यू वन अपॉन समीशन ऑफ क्यू जीरो जब वैल्यू इंडेक्स नंबर आप कर रहे हो इसके अंदर क्या बताया मैंने दोनों को इंक्लूड कर दो मतलब सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन अपॉन सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो समझ रहे हो क्या किया यहां पे इन दोनों को मर्च कर दिया क्या कर दिया इन दोनों को मर्च कर दिया मतलब पी वन क्यू वन साथ में जीरो एक चीज आप नोटिस करो करंट ईयर ऊपर ही है बेस ईयर नीचे ही है बस आगे कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है तो आपका जो आंसर बनना चाहिए आपको सबमिशन क्या चाहिए पहले इंडिविजुअल पी जीरो का चाहिए था इंडिविजुअल पी वन का चाहिए था बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं अरे एक मिनट वन क्यू वन ठीक है तो अब जब भी मैं सिंबल लिखता हूं ना इस तरीके से इसी से मैं फॉर्मूला बनाता हूं क्या पूछे वैल्यू इंडेक्स नंबर तो चलो सबसे पहले क्या होना चाहिए पी जीरो और क्यू जीरो में चाहिए हमको क्योंकि उसका समीशन चाहिए और यहां पे क्या चाहिए हमको पी वन क्यू वन तो ऐसे ही आपको बनाते रहना अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा लाइन बनाना ठीक है अब P0 जीरो ये जीरो आया कहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां पे मैं लिखता हूं एक्सप्लेनेशन के लिए ए और बी तो ये कहां से मिला ए मल्टीप्लाई पर बी आपको ये लिखना नहीं है अब ए मल्टीप्लाई पर बी मतलब क्या थर्टी इंटू ट्वेंटी टू देट इज हाउ मच सिक्स सिक्सटी मैं यहाँ पे अभी सिर्फ समझाने के लिए कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले ये आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है बाकी तो सब चीजें हैं फिर क्या है इंटू फोर्टी तो ये कैसे सिंपल करोगे को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना और एक जीरो डाल दो क्योंकि फोर्टी का जीरो ये तो डायरेक्टली सिंपल थ्री एट्टी फिर क्या नेक्स्ट आपके पास फिफ्टी इंटू ट्वेल्व पचास इंटू सॉरी पांच इंटू बारह कर दो तो 12 आंसर कितना है 60 और एक जीरो डाल दिया आपने कितना हो गया 600 तो so नेक्स्ट क्या 20 20 है 20 इनटू 28 20 इनटू 2 कर दो दैट इज कितना है टू टूज़ अ 16 डेट इस 46 और एक क्या आ गया आपका जीरो आ गया अरे सॉरी 56 है और यहाँ पे आ गया जीरो ठीक है उसके बाद टोटल तो करना ही है अब आपके पास है ये C और ये है D तो ये P1 और Q1 वन कहाँ से मिला C इंटू डी करके मिला दैट इज 40 इंटू एटीन कर दो तो 18 इंटू फोर कर दो के तो हो जाएगा वो 72 टू और एक जीरो अब 16 इंटू ट्वेल्व तो 12 इंटू सिक्स कर दो तो आंसर है 72 तो वापस से क्या मिला 720 ट्वेंटी फिफ्टीन इंटू अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ ये आपके बहुत काम आने वाला है ट्वेंटी फोर इंटू ना यहाँ पे करता हूँ मैं ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन चलो ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन देखो भले मैं यहां पे कैलसी यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं बता भी रहा हूँ आपको फटाफट कैसे करना है क्योंकि मुझे आपको मैं बार बार तो कर नहीं सकता आपको मल्टीप्लाई करना है देखो कैसे चलो सीखो एक स्टेप में आंसर कैसे लाना है फाइव इंटू फोर जो पीछे है ना लास्ट वाला उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो फाइव फोर सा ट्वेंटी तो जीरो टू कैरी टू साइड में हो गया फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई पहला स्टेप ये रहा सेकेंड स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ना 5 2 देन 4 1 4 तो आपका टोटल कितना है ये जो कैरी था ना वो आपने साथ में रखना है दैट इज 2 6 2 4 6 और ये कितना हो गया आपके पास 1 तो 6 वापस से 1 कैरी अब लास्ट में थर्ड स्टेप ये लास्ट वाला है ना जो साथ में करना है मतलब 2 1 2 और वन ऑलरेडी था टू प्लस वन कितना हो गया थ्री तो आप आप ट्वेंटी देख लो आंसर मेरा आ चुका है है क्लियर तो यहां पे अभी आपके क्या लिख दो 360. एक एग्जांपल एग्जाम्पल चलो कोई भी नंबर ले लो फोर्टी फाइव इंटू थर्टी सिक्स पहले लास्ट का सिक्स फाइव थर्टी जीरो अब क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स फोर साइव थ्री सा फिफ्टीन तो पाँच चार नौ तीन बारह और एक कैरी टू वन थ्री फोर फोर्टी टू टू वापस से फोर कैरी फोर्थ रीजा ट्वेल्व अब लाइन वाला सिंगल तो ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन तो इसका आंसर वन सिक्स टू जीरो तो आप बताओ कितना फोर्टी फाइव इंटू थर्टी सिक्स चेक करते हैं वन सिक्स टू जीरो तो ये देख लो आपका आंसर एक्जैक्टली मैच हो रहा है तो इस पर थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना कॉन्फिडेंस रखना कॉन्फिडेंस कब आएगा बार बार करोगे चेक करोगे कि एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बड़े बड़े स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है आपका कैलकुलेशन इस तरीके से फटाफट आपका हो जाएगा फिर क्या है सिक्सटीन इंटू सिक्स जीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिक्सटीन इंटू सिक्स कर दो दैट इज नाइनटी सिक्स और जीरो फिर है आपके पास थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव तो ये कितना होता है नौ सौ अब प्लस करो क्योंकि आपको सबमिशन चाहिए तो सबमिशन कहाँ से मिलेगा दैट इज सिक्स सिक्सटी प्लस सिक्स फोर्टी थ्री एट्टी सिक्स हंड्रेड फाइव सिक्सटी तो आंसर आ रहा है टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी यहां पर क्या हो जाएगा आपका टोटल यहां पे तो कुछ निकालना नहीं है आपको तो डैश फिर है सेवन ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी प्लस थ्री सिक्सटी प्लस नाइन सिक्सटी प्लस नाइन हंड्रेड डेट इज हाउ मच थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी थोड़ा समझ लो ये जो पढ़ा है उसको डाइजेस्ट कर लो ठीक है फिर हम आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं तब तक आप प्लीज़ इतना समझो क्या किया है? तब तक तो मैं नीचे लिख के रखता हूँ ठीक है ये चीज़ तो आपको मैं बता रहा था from the table, P0, Q0, ये क्या हुआ? कहां से फ्रॉम दी जीरो आ चुका था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपने ऑलरेडी सीख चुके हो अब इसके अंदर करना है टोटल तो टोटल के पहले मल्टीप्लाई कर लो तो उसके बाद का सबमिशन आपको लाना है तो अब यहां पे आंसर आपको मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो चलने वाला ही है 3660 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी डिवाइड बाई टू थाउजेंड कैंसिल और डिवीजन में तो आप माहिर हो ही चुके हो तो प्लीज़ डिवाइड कर लो और आंसर लेके आ जाओ आपका आंसर इस बॉक्स में मैं थोड़ी देर में देता हूं अब आपको आना चाहिए डिवीजन करना डायरेक्टली बड़ा डिवीजन एक साथ करो अब यहाँ पर टू टू आप रिड्यूस करके करते हो कोई दिक्कत नहीं है आंसर सही लाना बाकी मैं आपको कोई फॉर्मूलाज याद करने पर लगाऊंगा नहीं ठीक है आपको मैं सिंपल लॉजिक से बताऊंगा आप ये वाला सम कंप्लीट कर लो फिर अगला सम भी साथ में करते हैं है कि नहीं सिंपल चैप्टर बहुत सिंपल है कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर रॉकेट साइंस पहला सब है तो आप भी प्लीज़ इसे कलर पेन से लिख दो ताकि आपको पता रहे कि इतना क्वेश्चन का पार्ट है ये सम आया कैसे तो नेक्स्ट टाइम आप ए और बी से मल्टीप्लाई करके तो मालूम पड़ा तीन चार महीने बाद देखोगे पता ही नहीं चले पी वन क्या है क्यू वन किसको बोलते हैं तो इसको प्लीज़ आप लिख दो ऊपर जो टेरेस का जगह होता है ना ए के लिए आप कुछ भी सम का सीखते हो तो आप वहां पर लिख दिया करो ठीक है चलो तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए मेरा तो फटाफट आ जाएगा That is answer is दो पॉइंट तक प्लीज आंसर ढूंढ लिया करो ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन टेंशन मतलब सब सम खत्म हुआ है हमारे कुछ होमवर्क दिए थे इसके अंदर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है सब रिपीटेटिव बाकी सब टेंशन मतलब मैं पूरा सॉल्व करता हूँ ऐसी बात नहीं है सिर्फ रिपीटेटिव है वो मैं आपको इसके अंदर क्या से कैलकुलेशन इसलिए मैंने नहीं किया कमोडिटी ए डी कमोडिटी है ना आपके पास ए बी सी डी और क्या है उसके बाद प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी तो ये हमेशा दो बार सोच के बराबर है एग्जाम में भी पूरा ध्यान प्राइस प्राइस की बात हो रहा है मतलब क्या पी प्राइस कौन सा बेस ईयर मतलब जीरो बात कौन सी हो रही है क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब क्यू जीरो प्राइस करंट ईयर मतलब वन क्वांटिटी करंट ईयर मतलब वन ये हमेशा दिल दिमाग आँख सब खोल के बराबर पूरा ध्यान यहां पे रख के क्योंकि तो ये नंबर अगर आपने गलत डिनोट कर दिए तो आपके पूरे सम की बैंड बच जाएगी याद रखना और ये सिंपल आपको जो मार्क्स मिलने हैं स्कोरिंग नहीं मिलेंगे ठीक है चलो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से बना लो कमोडिटी है आपके पास फिर है आपके पास बेसियर बेसियर का क्या है आपके पास पी जीरो क्यू जीरो देखो एग्जाम में भी आप इसी तरीके से बनाना मैंने आपके लिए सब इंजी कर दिया वो लाइन वाइन पहले बनाते रहोगे ढूंढते रहोगे कॉलम कितना बनाना है कितना जगह छोड़ना है पहले लिख लो देखो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसे जैसा पेपर में होना चाहिए वैसे ही मैं कर रहा हूँ अब क्वेश्चन कॉपी अब आपको इतना तो पता समझ में आ गया होगा कि आपको क्या सॉल्व करना है पी जीरो पी वन क्यू वन क्योंकि आपको सीधा का सीधा दिमाग में लाना है प्राइस इंडेक्स नंबर या तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वो दिमाग में आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है ऊपर करंट ईयर होता है वन और नीचे होता है बेस और यहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों साथ में काम बन गया आपका अब कमोडिटी कितनी है आपके पास ए बी सी डी ई फिफ्टी सेवेंटी सिक्सटी वन ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी टू सिक्सटीन एटीन ट्वेल्व ट्वेंटी टू फिर आपके पास सेवेंटी नाइन्टी वन जीरो फाइव वन फोर्टी वन फिफ्टी फाइव फोर्टीन ट्वेंटी टू फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी एट मैं आपके जगह पे हूं तो मैं अभी लाइन नहीं बनाऊं पहले मैं पूरा सॉल्व कर दू और एक एक चीज दिक्कत क्या हो जाती है कभी कभी एग्जाम में आप इतना बगन रहते हो ना सॉल्व करने में यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ी है और आप फिफ्टी इन टू ट्वेंटी टू करते हो जो भी आंसर आता है ये ऊपर लिखते रहते तो लिखते रहो लास्ट में पहुंचते हो एक लाइन खाली रह गया तो ये नौबत आने मत देना ठीक है समझ रहे हो क्या बताया मैंने आपको तो आप लाइन बनाना चाहो तो पहले लाइन बना दो कोई दिक्कत नहीं है काश आप भी ऐसे ही लिखते एग्जाम में फटाफट बनते रहता आपका लिखते रहते कैलकुलेटर होता क्या करे हाय हाय मजबूरी क्या करे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है चलो अब यहाँ पे कोई देंगे नहीं आपको पता है पी जीरो क्यू जीरो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ठीक है तो फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू दैट इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन इंटू सेवन कर दो दैट इज वन वन टू और एक जीरो फिर एटीन इंटू सिक्स कर दो दैट इज वन जीरो एट और एक जीरो वन ट्वेंटी इंटू दैट इज ट्वेल्व का स्क्वायर भी करोगे वन फोर्टी फोर और एक जीरो कर दोगे तो भी काम हो जाएगा ये तो यार बहुत सिंपल टू टू और दो जीरो डाल दो अब है आपके पास सेवेंटी इंटू फोर्टीन एग्जाम में आप इस तरीके से ध्यान भी रख सकते हो बाद में इरेज कर देना कोई दिक्कत नहीं हमको राइट आंसर लाने से मतलब है फिर नेक्स्ट इज सेवेंटी इंटू फोर्टीन कर दो इसका आंसर होता है हंड्रेड एंड टेन और एक जीरो डाल दिया फिर आपके पास नाइन्टी इंटू ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू इंटू नाइन एक जीरो कर देना वन नाइन एट जीरो फिर हंड्रेड एंड फाइव इंटू फोर्टीन तो हंड्रेड एंड फाइव इंटू फोर्टीन ये होगा वन फोर सेवन ज़ीरो फिर वन फोर्टी इंटू फिफ्टीन तो फोर्टीन इंटू फिफ्टीन कर दो तो ये हो जाएगा 210, 10, 0, एक, 0 डाल देना मैंने आपको सिखाया ना 15 14 चलो यार एक बार करते हैं 15 14। 5 पहले लास्ट वाला कैरी भी डाल दो इलेवन 4 4, 5 5, 5 मतलब हो गया टू हंड्रेड एंड टेन देखो कितना फटाफट होता है सॉल्व अगर करोगे तो, तो मन में इच्छा रखनी है बाकी काम खत्म अपने आप हो जाएंगे फिफ्टी फाइव इंटू ट्वेंटी एट दट इज फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी अब प्लीज पी जीरोट करो पी वन क्यू वन को भी कैलकुलेट करो आपका काम होते दैट इज हंड्रेड एंड टेन सॉरी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड वन वन टू जीरो करोगे वन थाउजेंड वन हंड्रेड वन नाइन एट जीरो वन फोर सेवन जीरो टू वन जीरो फोर थ्री फोर जीरो हंड्रेड एंड सेवेंटी अब आपको पता है फ्रॉम द टेबल क्या वैल्यू आई है सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू इक्वल टू सिक्स नाइन फोर जीरो एंड सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन इज इक्वल टू टेन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फॉर्मूला क्या था हमारा क्या ढूंढ रहे हो वैल्यू इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो ना फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऊपर हमेशा करंट ईयर बेस हमेशा नीचे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आंसर आपको क्या मिलेगा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी डिवाइड बाई सिक्स नाइन फोर जीरो इन टू हंड्रेड जीरो जीरो गया बाकी आपको डिवीजन करने आता है फाइनल आंसर आपका यहाँ पे लिख देना आंसर होगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट

हमने जो सीखा है वही सही है गलत मत सीखना कॉन्फिडेंस <laughs> सीख लोगे पर चीज़ें गलत सीखोगे तो फिर हो गया काम खत्म ठीक है कंप्लीट करो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में नया एक्सरसाइज चालू करते हैं तब तक एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं चलो क्या पढ़ा अब तक हमने हमने क्या पढ़ा बताओ ना हमने पढ़ा प्राइस इंडेक्स नंबर और क्या पढ़ा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर पे क्या था सबमिशन ऑफ प्राइस कौन सा ऊपर कौन सा ऊपर करंट ईयर नीचे कौन सा बेस ईयर बराबर है पर यहाँ पे P was replaced by Q1. बाकी सब चीजें फिर हमने जो सीखा दैट वॉज वैल्यू वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब क्या इन दोनों का मर्ज दैट इज समिशन ऑफ पी वन क्यू वन अपॉन समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कुछ नया तो सीखा नहीं तो आप भी इस तरीके से इतना स्क्रिबल कर लोगे ना और फिर आगे सम सॉल्व करो बहुत ईजी बनता है काम कोई ऐसा फॉम का बड़ा कोई लिस्ट बनाना नहीं है हाँ, लेकिन बाद में लिस्ट बनानी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यही आपका सब क्या हुआ है कवर हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक प्रैक्टिस करते रहो पढ़ते रहो